गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित लीड में थे, बट इस बार न्यू जनरेशन आने ही वाली है क्योंकि इतने सालों बाद इसका रिमेक बनेगा। अब ये सब तो इधर विलेन के रोल के लिए दिखते हैं या पापा मम्मी के रोल में, बट इसी के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री वाले टेक ओवर करने बोल भी रहे हैं। यानी कि एक्टर्स तो करेंगे ही, बट डायरेक्टर भी शायद से बदलने वाले है। अब इस फिल्म के तो डायरेक्टर है सुभाष घई, बट उन्होंने काफी टाइम से कोई फिल्में नहीं बनाई है। वैसे तो इसका रीजन बाहर नहीं आया है, बट हाँ यही सच है। वैसे तो एक दो साल पहले इन्होंने कहा था कि वो फिर से कम बैक करेंगे, बट कुछ दिखा तो नहीं इससे रिलेटेड। स्टिल अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है एंड राइट्स भी देने को रेडी है, पर सोच रहे हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि उनका जो स्पेशल तड़का होता है ना फिल्मों में, वो अक्सर काम आता है हिट होने में। अब सुभाष घई फेमस है क्राइम ड्रामा जॉनर के लिए, तो ठीक वैसे ही सामने वाला डायरेक्टर भी उसके लिए ही फेमस होगा। तो बस उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में से है सुरेंद्र रेड्डी, बोयापति श्रीनू, हरीश शंकर, ये सभी बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं एंड बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, तो सभी को आंख बंद करके इन पर भरोसा है। बट सोचिए साउथ की फिल्म के जैसा दिमाग चलेगा एंड सस्पेंस जबरदस्त होगा, एंड सबसे मेन बात उड़ते उड़ते ही दिखेंगे और एक्शन भी जबरदस्त होने वाला है इनका। चलिए राइट्स तो भेज देंगे, पर क्या हर फिल्म के जैसे सुभाष घई खलनायक 2 में दिखेंगे? अब दिखेंगे आज हम उनकी हर फिल्म में दिखते हैं एक छोटा अपीयरेंस देते हुए। और ये सुभाष जी का स्टाइल है दोस्तों, अब भले ही कोई भी डायरेक्टर होगा वो सुभाष जी के ऑनर में उनको कैमरे करने बोलेंगे, क्या पता फिल्म बनाने के टाइम पर भी उनकी काफी मदद ले सकते है एंड वो फ्रिक्वेंटली सेट्स पर भी दिखेंगे ताकि ओरिजिनल फिल्म का एसेंस दूर ना हो एंड थोड़ा मॉडर्न वर्जन भी दिखे। आखिर में सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना तो फिर रिस्क है बाबा। आपकी क्या राय है, कौन से डायरेक्टर चाहिए आपको, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।